जहां पूरा देश ओमपुरी की मौत से शोक में है, वहीं दूसरी तरफ उनकी अपकमिंग फिल्म द गाजी अटैक का जबरदस्त ट्रेलर रिलीज हो गया है। युद्ध और देशभक्ति पर आधारित ट्रेलर को खूब सराहा जा रहा है, लेकिन अफसोस ये भी है कि ओमपुरी अपनी फिल्म को देखने के लिए जिंदा नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच समुद्र में हुए युद्ध पर द गाजी अटैक का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन और AA फिल्म्स ने मिलकर किया है। फिल्म 1971 युद्ध के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समुद्री लड़ाई पर आधारित है, जिसके बारे में आम तौर पर काफी कम लोग जानते हैं। फिल्म के ट्रेलर में वेटरन एक्टर ओमपुरी की पावरफुल झलक दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि ओमपुरी के साथ फिल्म में राणा दगुबत्ती, तापसी पन्नू, अतुल कुलकर्णी और KK मेनन भी लीड रोल में नजर आएंगे। ट्रेलर में अमिताभ बच्चन का वॉइस ओवर सुनाई दे रहा है। आपको बता दें कि फिल्म का डायरेक्शन समीर रेड्डी ने किया है और इसे तमिल और हिंदी में एक साथ बनाया गया है। फिल्म 17 फरवरी 2017 को रिलीज होगी। द गाजी अटैक की कहानी 1971 के उन जवानों की देशभक्ति की है जो पाकिस्तान के PNS गाजी सबमरीन को भारत में INS विक्रांत को डुबोने से रोकते हैं और विशाखापट्टनम को पाकिस्तान के कब्जे में जाने से बचाते हैं। ये फिल्म 18 दिनों तक पानी के अंदर रहे एक नौसेना अधिकारी की टीम की है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।